स्कोरिंग था, बहुत आसान था। हाजी हाजी सर, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ हैं कुछ बच्चे और आज इनका एग्जाम था फिजिकल का, है ना? आपका नाम बताइए। अतुल। पहले भी आप दे चुके हैं इंटरव्यू। हाँ जी सर। आर्यन तेवतिया। चोट कैसे लगी? सर फ्रैक्चर हो गया, वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल में बाइक से तो नहीं ना? सर रुद्राक्ष। देवा। देवाक्षी। आज फिजिकल का पेपर था, तो फिजिकल की बच्चे टेंशन तो नहीं लेते ज़्यादा, क्या इसकी टेंशन थी? बिल्कुल नहीं। नो सर। नो सर। पेपर स्कोरिंग था या मीडियम था या हार्ड था? स्कोरिंग था, बहुत आसान था। हाजी हाजी सर, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। थैंक यू थैंक यू। इधर आ जाइए प्लीज़। तो असल में सर बताऊँ, मैं अपने आपको इतना डेडिकेट बनाऊँ, मैं जा रहा था कहीं, मतलब फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे हम, और मैंने आपको देखा और मैं रुक गया एकदम से कि चलो बच्चों से बात करते हैं। आ जाइए प्लीज़। आ जाइए बच्चों, आ जाइए। सरदार जी आप भी आ जाओ। अरे एक सेकंड आ जाओ यार। ओके, तो पेपर में जो सेक्शन था केस बेस्ड था इसमें? टफ था वो? नहीं, बहुत आसान था। आसान था, बहुत आसान था। आसान नहीं था सर, इजी था। इजी था, इजी इजी। अच्छा बताओ, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे साल फिजिकल, उसने किताब भी नहीं खोली और आज पेपर देने चला गया, तो कितने नंबर आएंगे? 20 आ जाएंगे। 20 तो आ ही जाएंगे। पास तो आराम से हो जाएगा। पास हो जाएगा, पास आराम से हो जाएगा सर। लॉजिक लगाएगा तो सर पास है। लॉजिक लगाएगा तो पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया हुआ है और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार चाहती है कि गेम्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको एक स्टेडियम की तरह डेवलप करेगी सरकार, जिसमें प्राइवेट सरकारी स्कूल के बच्चे भी आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हो? साइंस। सारे। अब तो फिजिक्स का पेपर है आज शाम को 6 बजे अनुराग दे क्लासेस पर, और कल भी और परसों भी अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ पर भी मेरे सेशन है बहुत सारे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स को पूरा मैं 2-3 दिन के अंदर ऐसा करवा दूंगा कि आप मतलब 35 में से 30 से ऊपर नंबर ले आओगे बिना पढ़े ही, बस ये सेशन कर लेना, क्योंकि मैंने इसे सवाल निकाले 151 जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। अच्छा फिजिकल के बारे में बात करते हैं, सरकार को गेम्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए क्या? हाँ करना चाहिए। साइंस के बच्चे हो? मतलब करना चाहिए, मतलब दोनों ही। यस सर करना चाहिए, उससे फ़ायदा भी होता है फिजिकल एजुकेशन पे पढ़ते हैं। यस सर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए सर। करना चाहिए, करना चाहिए सर। यस सर। स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा होता है हमारी लाइफ में? मतलब फिजिकली फिट रहते हैं हम सर, फिजिकल फिट भी रहते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आज नीरज चोपड़ा के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। नीरज चोपड़ा क्या है? यस सर। क्या क्या पूछा? स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछा था कि पकड़ते हैं तो उसमें मतलब कौन से, मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट है या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ। ऐसा कोई सवाल जो आपको यादगार हो कि ये सवाल आया बड़ा अच्छा लगा, जो भी याद हो आपको बिना पेपर देखे? फर्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग। आपकी आंखें लाल हो रही हैं, पूरी रात पड़ी हुई है ना, आंखें लाल क्यों हैं? धूप की वजह से। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगा होगी यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इनसे पूछते हैं फिर आपसे, सबको याद कर लो। वो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सर, रोइंग ऑफ अ बोट रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा इसमें भी? यस सर। क्या बात है सर, दो गोल्ड मेडल के लिए आया था सर, सबसे ज़्यादा दो गोल्ड मेडल किसने जीते सर? हाथ क्रैक हो गया आपका या अभी वैसे ही है? नो सर, फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर। क्या क्वेश्चन है? ऐसा सवाल जो आपको याद हो, भी अच्छा सवाल दिया हो। मुझे याद है, कोई सा भी याद नहीं सर, वही मेडल वाला। यस सर, मेडल वाला, वो जो मेडल वाला। जो अभी 11th के बच्चे 12th में आएंगे उनको क्या कहोगे, कितना टाइम दे फिजिकल को, कितनी टेंशन ले इसकी? पेपर से एक दिन पहले पढ़ लो बहुत। वैसे रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा डीप पढ़ लो। डेली पढ़ो? हाँ थोड़ा थोड़ा। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री? हाँ वो तो करना ही है। सर आधा घंटा देना चाहिए डेली का? यस सर, इंपॉर्टेंट है। पेपर से एक दिन पहले सर आधा घंटा देना चाहिए। आधा घंटा डेली, एटलीस्ट रीडिंग टाइम देना चाहिए 15-20 मिनट। उधर ले लो कभी कोई व्हीकल ऐसा है ना, बीच में आ जाओ, प्रोटेक्शन में रहोगी। हाँ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स डेली रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा सर। अच्छा जैसे स्पोर्ट्स, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका उद्देश्य तो होगा इंजीनियरिंग या मेडिकल? आप मेडिकल इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग, दोनों में से कुछ नहीं। क्या करोगे? सिविल सर्विसेज। मेडिकल। आर्किटेक्चर? मेडिकल। मेडिकल। आर्किटेक्चर की बहुत डिमांड हो रही है इस टाइम, है ना? तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो हूँ आज शाम को 6 बजे अनुराग दे क्लासेस पर आऊँगा, और 8 दिसंबर को अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री है वो, बिल्कुल डाउनलोड है। उसमें कोड डालना ATC10, 2 बजे से मैं लाइव हो जाऊंगा ऐप पर, मतलब ऐप पर जो पढ़ाते हैं ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो 2 बजे से सारे बच्चे आ जाना, ATC10 कोड डाल के, फ्री है बिल्कुल, और 3 घंटे का सेशन होगा मेरा ज़बरदस्त तरीके से। फिजिक्स का पेपर अगर पार कर गए ना तो बस समझ जाओ। अच्छा कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया था इसमें? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं सब आसान, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया। नो सर। सारा बुक से गया? नो सर। नो सर। स्कूल में कोई हेल्प हो रही है किस तरह की, कोई चीटिंग या जैसे भाई देख लो इधर उधर? थोड़ी लीनियंसी थी आज थोड़ी लीनियंसी थी एग्जाम। एक मिनट बस, पंचर है कर दो।
नहीं हमारी क्लास में तो नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नो सर, कोई यूनियन से नहीं थी हमारे क्लास में। नो सर, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत किस तरह की बता सकते हो? कोई शर्मानी की बात नहीं, सभी स्कूलों में हो रही है। इशारों में पूछ रहे हैं बच्चे, तो टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं मतलब। टीचर ने देखा थोड़ा बहुत इशारे चल रहे थे एक दो बच्चों के, बट सर नोटिस में नहीं आया वो टीचर, नोटिस में टीचर के नोटिस में नहीं आया। जब टीचर थोड़ा बैक, वैसे आपको एक अंदर की बात बताऊं, टीचर के नोटिस में सब कुछ रहता है क्लास में, टीचर के नोटिस में और घर पर मम्मी के नोटिस में सब कुछ रहता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं खुद एक CBSE एग्जामिनर हूँ, कई साल से मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ, मुझे पता है। पर टीचर इग्नोर कर देते हैं, सोचते चलो यार थोड़ा बहुत तो भाई हो जाता है। अच्छा, आपके स्कूल में CBSE से कोई फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह आया, ऑब्जर्वर वगैरह आए बाहर से? आ जाए थे, रोज ही आते हैं। हो जाते हैं क्या करते हैं वो? क्लास लेते हैं? मैं मतलब कॉरिडोर में घूमते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ सर, घूमते रहते हैं वो, मतलब अलग उन एक ऑब्जर्वर का दो रूम दे देते हैं, फिर वो चेंज करते रहते हैं रूम। CBSE ऑब्जर्वर से डर लगता है आपको जो वो आते हैं? नहीं सर, वो गाइड करते हैं हमें। क्या बोलते हैं? बताते हैं अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो बताते हैं कि इसमें ये करो, ऐसे करना है वगैरह वगैरह। अगर कोई हमसे एरर हो रहा होता तो करेक्ट कर देते। आज तो कैपिटल में लिखा होगा, पता जाता टीचर ने? कल मैंने वीडियो बना दी थी इसकी, रात ही एग्जाम जानकारी चैनल पे। एग्जाम जानकारी को जरूर देखा करो, उस पर मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट देता हूँ आपको। तो इस मॉल में तो लिख दिया आज किसी ने? पक्का? अच्छा, फ्लूड अलाउड है कर रहे हैं? नहीं नहीं, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्या करते हैं? मतलब गलती हो जाए तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ अब तक? अभी तक फ्लूड यूज नहीं। क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं, क्वेश्चन कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लो। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे, किस तरह पढ़ें, क्या करें, तैयारी कैसे करें? स्टार्टिंग से ही पढ़ें। अपनी NCERT अच्छी तरीके से थॉरली रीड करें, बाकी स्टार्टिंग शुरू से ज़्यादा पढ़ के रखें, स्टार्टिंग से पढ़ें और NCERT पूरी कंप्लीट करें, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स रीडिंग दे दें, उतना बहुत हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं सर? टीचर का नाम क्या है? प्रफुल्लित सर। तो कोर्स पूरा हो गया था आपका? यस, कोर्स पूरा हो गया। रिवीजन चल रहा था अभी, तो रिवीजन चल रहा। यस सर। तो मैं कुछ एक दो सवाल पूछूंगा जी आपसे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जो भी आंसर देना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। इसमें गलती है, इसमें फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें भी गलती है, यही है। देखो दोबारा क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्योंकि 10 तारीख को पेपर है, आज 7 तारीख है सर, MCQ है ना सर, इसीलिए देख नहीं। अगर MCQ भी आएगा उसमें 4 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से आप सही स्टेटमेंट कैसे पकड़ोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, पहला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दूसरा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया, तीसरा होगा नंबर ऑफ, उसमें भी गलती है एक, अभी सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ भाई मैं, यही तो गलती करोगे आप। अच्छा, वो पहला ऑप्शन ऐसा देंगे जो आप एकदम टिक कर दोगे, एक बार काला हो गया फिर तो गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो बात को? तो आज हम केवल आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे सेशन है 3 मेरे चैनल पर, और 3-4 सेशन अनअकैडमी 11-12 चैनल पर, और एक ऐप पर, सारे ले लेना जितना टाइम आपको मिल पाए, यानी कि सारी जो आपका अपना टाइम टेबल होगा वो भी आप फॉलो करोगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और हमेशा खुश रहो, हैप्पी। चलो बाय, थैंक यू।